गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हुए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव विस्टा पर। और सुबह के बज रहे हैं भाई 9:48 और हम जा रहे हैं ऑफिस। अभी हमारा ऑफिस बदल गया है कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। पहले जो हम ग्रीन पार्क जाते थे ना ऑफिस में, अभी हमें भाई आरकेपुरम जाना पड़ रहा है। तो अभी हम रास्ता चेंज करते हैं क्योंकि चिराग दिल्ली पे जाम लग रहा है ना, इसलिए हम इस साकेत में से होके इस ऑफिस में। भाई टेंशन कोई नहीं है, आराम से जाना पड़ता है। देखो अभी 9:53 हो रहे हैं और भाई अभी हम साकेत पर ही हैं बस। पर जाम बहुत मिलता है यार इस टाइम पे ना लेट निकलने पे। पहले तो हम निकल जाते थे भाई 8:30 करीब, तो जाम है भाई। कोई भी हमारा सब्सक्राइबर या हमारी वीडियो देख रहा हो, वो रैपिडो यूज कर रहा हो ना, तो इस कोड को इस्तेमाल कर लेना भाई, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक चीज और दिखाते हैं भाई, देखो ये इनोवा गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है और अच्छी भी गाड़ी है। इसके ऊपर ये रेड पट्टी का यूज करके ना भाई बेकार कर दी, टैक्सी जैसी फील करा रही है। और भाई ये जो थार है ना, इतनी मस्त गाड़ी यार, लोग पता नहीं क्यों इसकी बुराई करते हैं। पता नहीं यार, इतनी बढ़िया गाड़ी के अंदर छोटी मोटी खामियां जो है ना, वो तो भाई एडजस्ट करनी पड़ती है आपको। जैसे अभी इसमें पेट्रोल के डलवाने के लिए ना आपको तरना ही पड़ेगा क्योंकि अंदर से नहीं खोल सकते। और दूसरा भाई, इसके अंदर पीछे बैठने वालों को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये वाली जो सीट है ना, ये आगे करके तब वो अंदर घुसे, पीछे के डोर नहीं है ना। तो कोई दिक्कत नहीं यार, वैसे भी एडवेंचर गाड़ी है। और दूसरा ना, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं, तो जो लोग इसकी नेगेटिविटी करते हैं ना, बेकार है यार। देखो पहले थार कुछ भी नहीं दिखती थी रोड पर, आज थार ना हम चलते हैं कम से कम दिन में, ऑफिस जाते टाइम में, कहीं भी जाते हैं, हमें 3-4 थार 5 थार तो दिखी जाती है मैक्सिमम। तो भाई हमारे को तो बढ़िया लगती है। और दूसरा देखो, जैसे हम चलते हैं 20-22 दिन सिंगल, देखो ऑफिस जाते टाइम जब भी हमारा ऑफिस होता है, और भाई 4 या 3 दिन चलते हैं हम डबल, और ऐसी 2 या 3 दिन चलते हैं हम फुल महीने में। तो यार उस बंदे के लिए ठीक है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और यार ये गाड़ियों पे ना ऐसे स्टिकर अच्छे लगते हैं, स्टिकर लगाओ तो बढ़िया लगाओ, जस्ट चिल, क्या है यार ये डबल डबल हो गई। और जोरासिक पार्क, मानते हैं भाई आप जोरासिक पार्क होके आए होगे, तो ये क्या शो ऑफ कराना क्यों। बस के 11 मिनट हो रहे हैं और भाई इस रास्ते पे ना फुल जाम ही रहता है। ये देखो अभी हम अच्छी पे ही हैं भाई, ये अभी लेफ्ट लेंगे हम यहाँ से, खटवारी सराय होते हुए जाएंगे क्योंकि यार वहाँ पे चिराग दिल्ली का फ्लाई बन रहा है तो बहुत जाम रहता है। वो देखो बाइक कहाँ चढ़ा रखी है, क्योंकि उधर ही उसका शोरूम है ना, वो पशुपति हीरो लिखा है ना, वो उसका शोरूम है भाई, छत पर चढ़ा रखी है बाइक। अभी हम आगे कटवारी वाले रोड पर, ये रोड भाई पूरा खाली रहता है और ग्रीन है पूरा, वहाँ तक ही जाम मिलता है बस हमें। अब चलते हैं भाई आगे। और अभी हम पहुँच गए आरकेपुरम मोहन सिंह मार्केट। ये मोहन सिंह मार्केट यहाँ से स्टार्ट है लाइट से, और भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान ना काफ़ी ज़्यादा रिबेट, मतलब डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे आके रेट में बारगेनिंग करके ना काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और अभी हम ऑफिस जा रहे थे तो भाई हमें एक चीज़ दिखाई दी, जैसे इस ऑटो पे लिखा हुआ है देखो ऐड करानी हो तो वो इस ऑटो पे जो लिखे नंबर है ना उसमें कॉल करके बात कर सकता है भाई, क्या चार्जेस है क्या है, तो आपको यहाँ से ऐड ना ऑटो पे इसे लगाने के लिए ये बता देंगे। चलते चलते हमें एक चीज़ और नज़र आई भाई, बड़ी मजाक वाली भी और थोड़े पता नहीं क्या यार, सीरियसली भी पता नहीं इसके बंदे के लिए हो। तो ये देखो इस बंदे ने लिखवा रखा माँ का दिल, तो माँ का दिल क्या ऑटो है यार। ऐसे थॉट्स लिखवाने चाहिए हमें जिससे कोई मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज, ये नहीं कि खा में खा ऐसे ही लिखवा दो बस ऊट पटांग चीज़ है। ये है संगम सिनेमा और इसके साथ में ही ऑफिस है भाई हमारा अपने यहाँ का। ये है यार यहाँ की पार्किंग देख रहा हूँ, वहाँ इतनी बढ़िया पार्किंग हमारी ऑफिस की, ये पार्किंग हमें देखने पड़ेगी जगह कहाँ है। अब यहाँ पे देखो भाई फॉगिंग हो रही है, हम जा रहे हैं बाहर और ये हमारी टीम यहाँ खड़ी है। हमें हो गया आधा घंटा भाई, हम जा रहे हैं दोबारा। तो भाई हमें ना खाने से खा ले हाथ धोने की आदत बड़ी गंदी पड़ी गई, देखो हाथ धोए नहीं और हम ऊपर चले गए थे, फिर हम दोबारा नीचे आए फिर हाथ धोने नीचे है, तो यहाँ से हाथ धो लेंगे। अब हम आ गए लंच करने यहाँ, हम इस टेबल पे करते हैं, सुशील सर की टेबल है, अभी यहाँ कुछ काम चल रहा है तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं ये टेबल खाली होने का, फिर उसके बाद जाएंगे उनका ही लंच करने। हम कर रहे हैं अभी वेट खाने का। और टिंकू भाई का देखो काम भी शुरू हो गया, और टिंकू भाई लाए पूड़ी और छोले।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हुए स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजीव विस्टा पर। आज 31 मार्च है और इनकम टैक्स साइट पे जो आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक्स हो रहे हैं ना, उसको लिंक करने की ना जो डेट है वो आज लास्ट डेट है। तो हमने अपने किसी भी का भी घर वालों का करानी है लिंक आधार कार्ड पैन कार्ड, तो सबसे पहले हम वही करेंगे। हम ऑफिस चलेंगे जहाँ हमारा ऑफिस नया शिफ्ट हो गया था कुछ दिन के लिए, तो वहाँ भी हमारा आज लास्ट डे है। और भाई ये आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना ना ये कंपलसरी हो गया है, तो आज लास्ट डे है। आज तो 1000 रुपये लग रहे हैं, 1000 रुपीज़। तो आज जिन्होंने भी नहीं करा वो जरूर कर लें। डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए अपने घर वालों के जिनके भी आधार कार्ड हो से पैन कार्ड लिंक करना है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हमने सारे आधार कार्ड और पैन कार्ड, जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आधार कार्ड नंबर हो या पैन कार्ड नंबर हो, ये डॉक्यूमेंट अपने पास रख लें। फिर उसके बाद आप ना क्रोम पे जाएं या कोई भी आपके पास ब्राउज़र है, तो भाई जो भी आपके पास फ़ोन में ब्राउज़र हो ना, उस ब्राउज़र में आपको खोलना है www.incometax.in। उसके बाद आपके पास जो भी फर्स्ट पे साइट आए ना, होम पेज जैसे ये है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे लिंक आधार और लिंक आधार का स्टेटस, मतलब आपको चेक करना हो गया और रखा ही नहीं। तो हम भी एक बार पहले स्टेटस चेक करते हैं। सबसे पहले जी हमने देखो आधार कार्ड पैन कार्ड का नंबर डाला, तुरंत आ गया कि आपका ये आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है। लिंक करने के लिए इस पर क्लिक करें, तो ऐसे ही आप भाई इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका ये आ जाएगा, ये आपको फिल करना है यहाँ पे। और ऑफिस के लिए लिख लें हम सेकेंड डे। और ये देखो भाई अभी यहाँ पे रेड लाइटों पर ना ये लोग मांगने जाते हैं, ये लोग ना भाई हर रेड लाइट पे मिल जाते हैं। और ये नहीं कि भाई एक रेड लाइट पे दे दो दूसरे रेड लाइट पे नहीं मिलेंगे, वहाँ भी मांगने लग जाते हैं। तो यार ये गलत है, देखो मेहनत करके भी खा सकते हो यार, कोई बिजनेस कर लो। एक हमने बुक में पढ़ा था, जो देने वाला होता है ना वो दाता होता है, और जो मांगने वाला भिखारी। अब आपको खुद डिसाइड करना आप भिखारी बनोगे दाता बनोगे। तो यार ये गलत है ना, बिगर कुछ करें क्यों दें हम आपको, कोई एक लॉजिक भी तो होना चाहिए कि भाई इसलिए देना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आपकी दुआएँ लगती हैं, तो यार डायरेक्ट आप क्यों अपने लिए दुआ क्यों नहीं मांगते, हमारे लिए क्यों मांग रहे हो पैसे लेके? वो भी पैसों में दुआ खरीदी जाती है कोई? यार किसी भूखे को या गरीब की हेल्प करके या भूखे को खाना खिला के दुआ लगती है। और ऐसे ही भाई अगर आप ये पैसे दे रहे हो ना, तो आप ये दिल से नहीं दे रहे, आप ये डर से दे रहे हो, क्योंकि वो आपको डराता है तो दे देते हो। तो दिल से अगर किसी को देना है ना, तो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि ऐसे पैसे देने से भिखारियाँ पैदा हो रहे हैं और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। या फिर आप किसी को कुछ बांट दो खाने की चीज़ें, उससे भी आपकी हेल्प हो सकती है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो करो भाई, बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमें जो अच्छा लगा हमने इसलिए बोल दिया यार। अगर बुरा लगा हो तो आप इग्नोर कर देना हमारी बात को, अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लेना भाई। आज हमारे यहाँ फ्राइडे और भाई आज के दिन लगता है देखो बाजार, इस बाजार से वजह से ना अपनी कार भी अंदर नहीं लेके आ पाते। तो भाई अभी हमें जाना है साकिब की तरफ, तो अभी स्कूटी से जा रहे हैं। आज भाई हमें साकिब जाना था, तो अब गाड़ी हमारी खड़ी है वहाँ पे, इसलिए स्कूटी से जा रहे हैं, क्योंकि आज गुल्लू का रिजल्ट आया वो पास हो गया, तो इस चक्कर में पार्टी कर लें हम। बहुत फास्ट पकड़ रखा है यार, छोले भटूरे की दुकान तो भाई इतनी है यहाँ पे कि ना गिनती भी नहीं कर सकते। एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों जगह है। विराट क्रॉस करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, इतना सारा जाम या ट्रैफिक हो जाता है ना, तो इस बाजार को कहीं शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत हो एम्बुलेंस निकलने का टाइम है तो निकल नहीं पाएगी वो। पर ये किसी को दिखता ही नहीं है, पुलिस वालों को भी नहीं दिखता, और जो भी लोग इस बाजार को लगा रहे हैं उन्हें भी नहीं दिखता भाई। और अभी हम पहुंच गए भाई कुशवाहा पे, ये है बिरला विद्यानिकेतन, और यहीं पर ही आएंगे वो भाई। हमने ना एक पिज़्ज़ा बुक करा था, हमारी कॉलोनी जो है ना वहाँ पर डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें 1 किलोमीटर दूर आना पड़ा। कोई बात नहीं यार, और कल सुबह भी हमें यहीं आना है, कल सुबह की वीडियो भी हम इसमें ऐड करेंगे, कल सुबह भी हमें अपनी गाड़ी लेने आना ना यहाँ पर। वेट करते हैं, आएंगे भाई फिर यहीं से ले जाएंगे।
हमारे यहाँ फैसिलिटी सारी है भाई, पर ना ये डिलीवरी डिलीवरी वाले पता नहीं क्यों नहीं आते यार। या तो पहले पैसे ले लो अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो, और फिर आ जाओ। अभी भी हमसे पैसा लिया है पहले, तो जब कैश ऑन डिलीवरी नहीं है ना, कोरोना के बाद से इन्होंने मना बंद कर रखा है। और हमने अब पिज़्ज़ा ले लिया है अपना, अब जा रहे हैं हम अपने घर विराट से चालू होके। और देखो भाई हमारे घर से भी आगे तक जाता है बाजार। और सुबह के बज रहे हैं भाई 6, सभी सब्सक्राइबरों को गुड मॉर्निंग। अब हम जा रहे हैं अपनी कार लेने हमारे यहाँ इसी रोड पे। कल के दिन बाजार लगा था ना, तो हमें कार अंदर लेके आ नहीं सकते थे अपने घर के पास, तो हमने बाहर ही खड़ी कर दी थी। है हमारी कहीं पर बातचीत, तो हम वहाँ खड़ी कर देते हैं सिक्योरिटी में, गेट वेट के अंदर सेफ्टी है ना वहाँ पे। सुबह सुबह इस सफल पे देखो सब्जियाँ बड़ी फ्रेश है भाई, बारिश पड़ने से भाई पत्ते भी देखो एकदम ग्रीन नज़र आ रहे हैं। पहले यही पत्ते ज़्यादा डार्क नज़र आते थे। अभी हम पहुँचे नहीं है भाई अपनी गाड़ी वाली जगह पे, वहीं जा रहे हैं, ये थोड़ी दूर है ना। जो अभी का एटमॉस्फेयर है ना भाई, देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडा लग रहा है और एकदम क्लियर ऑक्सीजन सांस अंदर जा रही है। तो ऐसा लग रहा है हमें ना रोज़ करनी चाहिए यार ये वॉक। हम सोच रहे हैं कल से कंटिन्यू करते हैं यार। वो देखो सामने बादल दिखाते हैं आपको, देखो ना भाई पूरे दिन में कभी ऐसे नज़र नहीं आते होंगे जैसे आज सुबह सुबह नज़र आ रहे हैं। अभी हमने साइड बदल रही भाई रोड की, क्योंकि उस तरफ ना पानी ज़्यादा भरा हुआ है और उस तरफ भाई पीछे से पता नहीं चल रहा गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। हमें कभी ना इधर रोना पड़ रहा लेफ्ट कभी, इस साइड से पता चल जाएगा सामने से कौन सी गाड़ी आ रही, बच तो जाएंगे हम। सुबह पेट्रोल पम्प भी पूरा खाली पड़ा है देखो भाई, सबसे गंदी आदत दोनों एक साथ चल रहे हैं यार, एक्सीडेंट का खतरा ना बड़ा ज़्यादा है। बड़ी गंदी चला रहा है ये बंदा ऑल्टो वाला। अभी हम वीडियो बनाने लग गए ना इसकी ऑल्टो वाले की, तो ये बंदे ने साइड कर ली है, देख रहे हैं बड़ी दूर से एकदम। दिखाते थे उन्होंने ना ये बीच में निकाल रहा था ऑटो और बाइक वाले के बीच में यार। आप भी भाई कभी वॉक पे निकलो ना और ऐसे रोड पे, या कहीं जा रहे हो सुबह सुबह जल्दी, तो ध्यान से चले करना, क्योंकि भाई सुबह सुबह हर कोई ना बड़ी तेज़ चलाता है। तो या तो पार्क के अंदर जाओ या फिर साइड में चलो भाई। अभी क्या है कि साइड में चल नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी फुटपाथ है ना उनको पर तो देखो क्या क्या कर रखा है यार इंक्रोचमेंट, तो कैसे चलेगा बंदा देख दो। तो इसलिए भाई फिर रोड पे जाना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से जाओ भाई। तो देखो बिल्कुल पास है भाई, थोड़ी नीला देख रहे हो, इस रोड को देख के तो आप पहचान रहे होंगे कि भाई किस तरह गाड़ी खड़ी करते हैं। इस रोड पे आप चल रहे हैं ना, ये रोड भी बहुत छोटा है भाई, पर पता है क्या है, देखो यहाँ भी इंक्रोचमेंट यार बस। ये देखो कैसे बंदा फिर फुटपाथ पे चले, फुटपाथ बनाते हैं बोलते हैं भाई इधर चलो। ये देखो पूरा इंक्रोचमेंट यार, डबल डबल बस हो गई थी, और रोड भी देखो छोटा हो जाता है इससे ना खतरा ज़्यादा पड़ता है। और भाई पानी बड़ी दिक्कतें होती हैं यार, ये पानी भी ना लीक नहीं होना चाहिए। देखो पानी लीक हो रहा है, यही हम पीते हैं, इसलिए भी आजकल ना भाई आर ओ की जरूरत पड़ गई है। लोग बोलते हैं ना आर ओ से कुछ नहीं होता है, बेकार है, तो लगवाना चाहिए। देख लो कितना लीक हो रहा है पानी, कितनी गंदगी जा रही है, और पानी की लाइन ही है शायद हमें तो ऐसी लगता है। और हमारी गाड़ी देखो भाई वहाँ खड़ी है सेफ्टी के साथ। ये बहुत छोटी जगह है जिसमें से हम दिखा रहे हैं आपको, इन तो चल के दिखाएंगे दीना भाई। इस चार दीवारी के अंदर खड़ी करते हैं, ये नहीं बताएंगे कहाँ है, क्योंकि यार ये बंदे ने हमें परमिशन दे दी वही बहुत है। फ्रेंड है सुरजीत नाम है इनका। क्या है ना यार, कोई हमें गाड़ी खड़ी करने की परमिशन दे रहा है तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए ना कुछ ज़्यादा ही, और अपना भी दिमाग से काम करना चाहिए कि उसको भी किसी बात से कोई दिक्कत ना हो, तो उसकी सेफ्टी भी रखते हुए तब हमें सारी चीज़ों को करना चाहिए ना। इसलिए हमने वो जगह ज़्यादा नहीं दिखाई, क्योंकि यार यूट्यूब पे सब देखते हैं ना, वर्ल्ड में देखता है यार कोई। रॉन्ग साइड बोलते हैं वो, चलो ये देखो उधर रॉन्ग साइड आ रहे हैं ऑटो वाले, ये भी बड़ा टफ है देखो, ये भी रॉन्ग साइड जाएगा। अब वहाँ से ले जा, बुलेट तो ले रखी है यार, पता नहीं क्या बंदे भाई। ये रॉन्ग साइड वाले ने ना हमारे चाचा का भी एक्सीडेंट करा दिया, जैसे अभी ये ऑटो वाले चल रहा था ना इसी तरीके से आ रहा था वो भी, पता नहीं क्यों रॉन्ग साइड जाते हैं यार। ऑटो में तो आजकल CNG है, कोई दिक्कत नहीं यार, इतनी सस्ती है, और बाइक भी इतनी अच्छी एवरेज देती है, फिर भी यार लोग
उल्टी सीधी चलाते हैं, पता नहीं क्या, थोड़े से पेट्रोल के चक्कर में यार। ये हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बन गया यार हमारे यहाँ पे ना, ये भी आजकल आने वाले टाइम में ना भाई इसकी पहचान हो गई, लोग इससे ही जाने करेंगे दक्षिणपुरी पे ना, लोग घूमते हैं इस पटरी पे। और ये यहाँ पे इसको कुत्ते को बाथरूम करा रही है यार, अच्छी बात थोड़ी ना यार। अभी हमारा शीशा गंदा पड़ा है गाड़ी का, नहीं तो और क्लियरिटी से दिखाते। ये सब चीज़ ना यार, जो लोग वॉक कर रहे हैं, जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं ना हेल्थ के प्रति, उन लोगों को डीमोटिवेट करने का काम है, बंदा फिर जाएगा ही नहीं यार, गंदगी है यार वहाँ पे। ये करा रही और भी कराएंगे तो ये गलत है। आज हम जा रहे हैं टीटी के स्कूल, आज इसका रिजल्ट है। किसको आपका रिजल्ट है ना आज? हाँ। कौन सी क्लास का? एक ही स्कूल है। एक ही स्कूल है? नहीं। कि हमने पहले भी डाल रखी है ना, हमने पहले वाले ब्लॉग में, तो अभी हम वही दिखाएंगे। ये गवर्नमेंट वाला, यहाँ की फीस कम है, और एक और जहाँ P2 पढ़ती है वो प्राइवेट है, उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। नहीं, पहले ड्राइंग है इसको घर पे भी ला रखी है ना, ड्राइंग फाइल तो उसमें भी करती है। ये डिक करवाते ना कलर से, उंगलियों पे फिंगरप्रिंट कराते हैं सब बच्चे, यूनियन से ही कराते हैं, इनसे हम कोई ना करेंगे इतने सारे बच्चों का एक साथ। ये थोड़ा सा ऐसे लिखवाया था तो तब इसमें थोड़ा थोड़ा सा करेंगे। घर पे तो बिल्कुल बेकार करती है ना। हाँ, कभी कभी तो इसने पहले स्टार्टिंग तो बहुत बेकार कर रखी है, फिर धीरे धीरे ये जब उस क्लास में होगी ना, ये जब ये करा होगा इसमें, जब मेरे पास आई है। अच्छा, शुरू शुरू में तो बेकार। हाँ, ये शुरू शुरू में सब बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, शुरू में बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब धीरे धीरे अब एक साल होने लग जाता तो सीख जाते हैं करते। हाँ, ये फाइनल में तो टेस्ट में बहुत अच्छा करा है। ओए, ये क्या हो रहा है? और ये पास हो गई, इसलिए आज हम केक काटेंगे। हाँ, हाँ। और ये गुल्लू भी पास हो गया, दो लोग पास हो गए। और ये भी इसको तो भूल गए। हाँ, इसलिए आज हम ये वाला केक काटेंगे। और ये इसका कचुम्बर बना देगी। हाँ, इसका कचुम्बर बना देगी। काट तो लो, सीधा करो ना उसको, अब काटो बिल्कुल पीछे रखो। और पास होने का हमने जो सेलिब्रेशन कराया ना अपने घर में, वो इसलिए करा ताकि बच्चों के मन में ना पढ़ाई लिखाई के प्रति एक जोश बरकरार रहे और एक प्रेरणा मिलती रहे कि भाई नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे नंबर लाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे ना, तो हमें और इससे बेहतरीन कुछ मिलेगा। तो इसलिए हमने एक छोटी सी सेलिब्रेशन करा। और जो भाई कल हम अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर रहे थे ना, अभी उसकी डेट बढ़ा दी है मई तक की, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मई तक कर सकते हो, आपके लिए और ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी और वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे।